मानी पीटीआई की छह और बुशा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त हुई है। अदालती अमले का कहना है कि बुशा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अरफा क्या कार्रवाई रही आज। देखिए, आज बानी पीटीआई के खिलाफ छह मुकदमा और जो बुशा बीबी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है उसमें जो है वो आज दरख्वास्त जमानतों पर आज समाअत हुई है। आज बानी पीटीआई को जो वो गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश करें, लेकिन जो अडयाले जेल हुकाम है वहां से कोई भी खबर जो है वो इसकी नहीं आई और उनको जो है वो वीडियो लिंक के जरिए आज अदालत पेश नहीं किया गया। तो बुशा बीबी जो है दूसरी तरफ आज कमरे अदालत पहुंच चुकी थी, वो आज उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई और अपने वकील सलमान सफदर उन्होंने जो है वो इसके दलाइल दिए। आज बुशा बीबी जो है जब ये दलाइल हो चुके थे तो बुशा बीबी जो है वो खुद भी रोस्टरम पर आई और वो काफी आपदीदा हो गई थी। उन्होंने रोस्टरम पर आकर कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मुंसिफों के 9 महीने से नाइंसाफी जो है वो हो रही है, पानी पीटे और मुझे नाइंसाफी पर जो वो सजा दी गई है, इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए जो वो यहाँ कमरा अदालत में नहीं आई। और इसी दौरान ये कहते हुए बुशा बीबी जो वो आपदीदा हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ही जो है वो जाया कर रहे हैं, जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है, किसी जज को जो है वो ये क्या नजर नहीं आता, मैं इस अदालत में नहीं आऊंगी जहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। तो ये तमाम दलाइल जो है वो आज अदालत में सुने। अब बुशा बीबी की जो दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला वो 18 नवंबर को सुनाया जाएगा और जो बानी पीटीआई के 6 दरख्वास्त जमानतों पर का जो मामला है उस पर दलाइल जो है वो 18 नवंबर को तलब कर लिए गए हैं और 19 दिन यानी कि 18 नवंबर को ही बानी पीटीआई के 6 और बुशा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अरफा तफसील देने के लिए।